नमस्कार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। यह एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। कवि अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में अधिक तेजी से पांव बढ़ाता है। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर जाती है, लेकिन कवि के जीवन में कहीं कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे। इसलिए वह कह रहा है कि उसके कदम शिथिल हो गए हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। अपनी पंक्तियों में कवि कहता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का, पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कवि के मन में आशंका है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए और उसकी यात्रा में कोई विघ्न ना आ जाए, उसकी यात्रा संकटमय ना हो जाए। कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। थका हुआ पंथी मंजिल को पास देखकर उसे जल्दी ही पाने की ललक में थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। इस पंक्ति में लक्ष्य को पाने की व्यग्रता है। मंजिल को पाने के लिए इच्छुक कवि चाहता है कि वह दिन रहते रहते मंजिल को पा ले। इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी से ढलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि उसे ये लग रहा है कि कहीं सूरज ना छिप जाए और वो आगे ना चल पाए, उसे रास्ते में ही कहीं रात गुजारनी पड़े और उसके प्रिय मिलन का जो उसका सपना है वो बीच में ना रह जाए। इस काव्यांश का भावार्थ यह है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलने लग जाता है और उसे इतनी व्यग्रता होती है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो अपनी स्वाभाविक गति से वह बहुत तीव्र गति से चल रहा है। समय बहुत तेजी से उसे लगता है कि बीतता जा रहा है। कविता में भाव सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है। इस पद्यांश में प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना दोनों प्रेम की व्यग्र कामना के चिन्ह हैं। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमय है। अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे। यह धान परों में पक्षियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है तो उसके मन में ये ध्यान आ जाता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और घोंसले में बैठकर बाहर ताक रहे होंगे, उन्हें उसकी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति तेज हो जाती है और तेजी से वह घोंसले की ओर उड़ना शुरू कर देती है। तब उसे लगता है कि कहीं दिन ना ढल जाए। तब उसे लगता है कि दिन तेजी से ढल रहा है और वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। इस पद्यांश में दिखाया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है तो वापसी के वक्त उसके पंख जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। अपने बच्चों के प्रति उसके मन में ममता आ जाती है और व्यग्रता बढ़ जाती है। कवि ने चिड़ियों के घोंसले के दृश्य की जो कल्पना की है, जब चिड़ियों के प्रति अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं तो माँ की ममता के लिए वो व्यग्र दिखाई देते हैं। चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों आ जाती है? क्योंकि वो अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती हैं कि उनके पीछे से उनके बच्चों को किसी ने नष्ट ना कर दिया हो। उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है, उन्हें लगता है कि बच्चे भूखे होंगे, वे उन्हें पास रहकर भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती हैं, इसलिए उनके पंख जल्दी जल्दी फड़फड़ाकर से बच्चों के पास पहुंच जाना चाहते हैं।
चिड़िया की बेचैनी के कारण भी उसे उसे जल्दी जल्दी दिन ढलता प्रतीत होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिलें, परंतु मंजिल अभी दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी से ढलता हुआ लगता है। इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। वात्सल्य और प्रेम के कारण बेचैन मन आशंका से भर उठते हैं। वास्तव में चिड़ियों के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है। पक्षियों के घोंसले में माँ का रास्ता देखने वाले नवजात शिशुओं का चित्र कविता में दिखाया गया है। बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया का जल्दी जल्दी पंख फड़ाना, ये दोनों चित्र कविता में मार्मिकता उत्पन्न करते हैं। चिड़िया का बिंब बहुत ही प्रभावशाली बना है। यह बिंब संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या करने में सक्षम है। वात्सल्य की यह व्यग्रता सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण की व्याख्या करती है। नीड़ों से बच्चों का झांकना, इसमें अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र नजर आता है। कवि की भाषा सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है, मुझे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को भरता, उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। कवि कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाए। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल है, मेरे मन में किसके लिए प्रेम की तरंगे जागेंगी। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, रोक देता है। मैं रुक जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि मुझे तो कोई प्रेम करने वाला नहीं है जिसे मैं मिलने के लिए व्याकुल हूँ। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं शिथिल हो जाता हूँ, स्थिर हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोदकर दिन प्रतिदिन जल्दी जल्दी व्यतीत होना लगता है, वरना समय काटे भी नहीं कटता। कवि अकेला है, उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा भी नहीं है, किसी प्रिय को उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण कहता है कि मुझे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल भी नहीं है, तो मैं किसके लिए आगे कदम बढ़ाऊं। इस कविता में कवि का प्रिय विलुप्त है, उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि कवि स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। कोई है जो उसके जीवन में होना चाहिए था, परंतु है नहीं। इसी वियोग की तड़प इस कविता में व्यक्त हुई है। कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में चंचलता की वजह की जगह शिथिलता आ गई है। कवि के हृदय में इस बात की विवलता है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है। कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है, कोई उसके लिए उदास नहीं है, इसलिए वह खुद भी उदास है। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और व्यर्थता का बोध यहाँ प्रकट हुआ है। यह उदासी पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम है। पंक्तियों में कौन और किसके, ये दो शब्द प्रयोग किए हैं। इनमें प्रश्नवाचक लगाया है, जिसके कारण प्रेम का अभाव साकार हो उठा है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश है। चौथे स्टंजा में कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को भरता, उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि मानता है कि दिन ढलते समय पक्षी तेज गति से घोंसलों की ओर उड़ जाना चाहते हैं, ताकि वे अपने नन्हे बच्चों को खाना दे सकें। आदमी को घर लौटने की जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीक्षा कोई करने वाला ही नहीं है।
बच्चों की प्रत्याशा है जल्दी से हमारी माँ हमें आकर मिले और हमारे लिए दाना पानी जुटाए। कवि के मन में इसलिए व्याकुलता है और कदमों में इसलिए शिथिलता है क्योंकि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रेसी इस कविता में विलुप्त है, यानी वो दिखाई नहीं देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार प्रेम ही तरंग है जो मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोरें पैदा करती है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ महसूस होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग में उसके कदमों में तेजी आ जाती है। जिस प्रकार से पंछियों के पर तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं जब वो शाम को अपने घर लौटते हैं। प्रश्न आता है कि थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है। उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है, तब उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। उसके मन में यह डर होता है कि कहीं रात ना हो जाए, यह डर भी उसके कदमों को तेज कर देता है। अन्य प्रश्न आ जाता है कि कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। कवि के मन में यह विचार आता है कि उसके घर में उसकी प्रतीक्षा करने वाला तो कोई है नहीं, यह सोचकर उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और उर में विफलता का क्या कारण है। दोनों का एक ही कारण है, जीवन में किसी प्रिय का अभाव। चिड़िया के उर में विफलता इसलिए है क्योंकि उसके घोंसले में बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि के कदमों में शिथिलता इसलिए है कि उसके घर पर कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। दोनों की तुलना की गई है।